झूठा पैम्पलेट हमने एक महासभा की तरफ से सच्चा पैम्पलेट छपवाया जिसमें चार बिंदु वर्णित थे जिसमें कि महासभा की आम सभा में निर्णय होना था। इन्होंने उसी पैम्पलेट को आधार बनाकर एक झूठा पैम्पलेट तैयार किया जिसमें पांच बिंदु बना लिए और पांचवा बिंदु जो हमारे उसमें नहीं था ओरिजिनल में मनगढ़ंत तैयार किया। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। पूर्व रावत महासभा अध्यक्ष द्वारा फर्जी पंपलेट प्रकरण से पुष्कर में राजनीति गरमाई। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह के नेतृत्व में मोहन सिंह रावत के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। रावत महासभा राजस्थान के खिलाफ फर्जी पैम्पलेट छपवाकर दुष्प्रचार करने के मामले में रावत समाज ने महासभा के पूर्व नाला अध्यक्ष मोहन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह के नेतृत्व में समाज के लोगों ने पुष्कर थाने में पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर महासभा के खिलाफ दुष्प्रचार करने और झूठी शिकायतें देकर पदाधिकारियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर थाना परिसर में जो कि हमारे रावत समाज के नाम से फर्जी पैम्पलेट छापकर महासभा के साथ जालसाजी की, उसके खिलाफ मोहन सिंह रावत जो पूर्व अध्यक्ष रहा है नाला निवासी, उन्होंने हमारे समाज का एक फर्जी पैम्पलेट छापकर CMO में महासभा के पदाधिकारियों की शिकायत झूठी की गई, उसके संबंध में हम एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुष्कर थानाधिकारी को हमने FIR पेश की है और पुष्कर थानाधिकारी ने बताया कि इसमें बहुत जल्द हम FIR दर्ज करके आपको बहुत जल्द जांच करके रिजल्ट से अवगत कराएंगे। और असली हमारा जो उद्देश्य ये है कि महासभा की जो मर्यादा भंग की गई है उस मर्यादा को जिसने भी भंग की चाहे वो कोई भी हो समाज के मंच पर, जो इन्होंने झूठा पैम्पलेट हमने एक महासभा की तरफ से सच्चा पैम्पलेट छपवाया जिसमें चार बिंदु वर्णित थे जिसमें कि महासभा की आम सभा में निर्णय होना था, इन्होंने उसी पैम्पलेट को आधार बनाकर एक झूठा पैम्पलेट तैयार किया जिसमें पांच बिंदु बना लिए और पांचवा बिंदु जो हमारे उसमें नहीं था ओरिजिनल में मनगढ़ंत तैयार किया कि मोहन सिंह नाला को जाति बाहर करने का निर्णय ले लिया गया व चार अन्य व्यक्तियों को भी समाज से बाहर किया जा रहा है और इसका निर्णय ये 19 तारीख को आम सभा में सुनाया जाएगा, जबकि इस संबंध में ऐसी कोई न तो किसी को समाज से बहिष्कृत करने की कोई बातचीत हुई, न कोई ऐसी चर्चा हुई, न ऐसा पैम्पलेट छपवाया। हम चाहते हैं कि महासभा के पदाधिकारी इसमें असली दोषी सामने आवे और उसको सजा कानून सजा देवे जिससे कि समाज की अगली बार कोई भी मर्यादा भंग करते हुए समय 10 बार सोचना पड़े। मोहन सिंह रावत नाला पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ एक परिवाद दिया है और SHO साहब से निवेदन किया कि इस पर FIR दर्ज करें और उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी आधे घंटे में हम FIR दर्ज करके इसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं। उसने जालसाजी करके कूटनीतिक रचना रच के महासभा के खिलाफ जो कृत्य किया है, फर्जी पंपलेट छपाया है, हम लोगों की ये मांग है कि उसकी जांच करके पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दिलाए। राउत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल थाने पर आया है जिन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने समाज के नाम से गलत पंपलेट छपा करके वितरित करने और समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के संबंध में एक रिपोर्ट दी है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच जारी है।